हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का सिविल टेक एएच के चैनल में। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की कॉलम और प्लिथ बीम के बारे में, क्योंकि फ्रेंड घर की एक अच्छी मजबूती के लिए कॉलम और प्लिथ बीम का मजबूत होना ज़रूरी है। तो इसी बारे में आज बात करेंगे फ्रेंड कि ग्राउंड फ्लोर घर बनाने के लिए हमें कॉलम का साइज़ क्या रखना है, प्लिथ बीम का साइज़ क्या रखना है, उसमें सरिया क्या प्रोवाइड करना है, और फर्स्ट फ्लोर के लिए कॉलम का साइज़ क्या रखना है, प्लिथ बीम का साइज़ क्या रखना है, उसमें सरिया क्या देना है, हर कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड कॉलम क्या होता है? फ्रेंड कॉलम का काम होता है हमारा, जो घर का पूरा लोड आता है वो कॉलम पे आता है, तो इसीलिए कॉलम का मजबूत होना ज़रूरी है, उसका पड़ाव पर मंजिल के हिसाब से साइज होना ज़रूरी है। और फ्रेंड प्लिथ बीम का काम होता है हमारा, जो हमारा घर का कॉलम है वो सभी कॉलम को एक साथ जोड़े रखते हैं, और जो ब्रिक का वज़न आता है वो प्लिथ बीम में आता है, प्लिथ बीम से ट्रांसफ़र होकर कॉलम तक जाता है, कॉलम से फुटिंग तक जाता है। तो फुटिंग पे हमने वीडियो इससे पहले बना रखा है फ्रेंड, अगर हमारा फुटिंग का वीडियो नहीं देखा अभी तक तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की कॉलम के बारे में। तो हमें ग्राउंड फ्लोर ओनली बनाने के लिए कॉलम का साइज़ क्या रखना चाहिए? तो फ्रेंड हमें ग्राउंड फ्लोर के लिए कॉलम का जो साइज है हमारा वो 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम का हमें साइज रखना चाहिए। और दूसरी बात फ्रेंड, उसमें स्टील क्या प्रोवाइड करें? तो उसमें फ्रेंड हमें स्टील 4 12 mm का स्टील रखना चाहिए, सरिया देना चाहिए। वहीं पे अगर बात करें फ्रेंड उसकी रिंग की, रिंग क्या हमें प्रोवाइड करना चाहिए? तो रिंग हमें फ्रेंड 8 mm का देने में सही है, 8 mm का रिंग देना चाहिए। और रिंग का जो डिस्टेंस है फ्रेंड वो 6 इंची पे देना चाहिए। तो ये थे जानकारी फ्रेंड ग्राउंड फ्लोर की कॉलम के बारे में। तो आप बात करते हैं फ्रेंड ग्राउंड फ्लोर की प्लिथ बीम के बारे में। तो फ्रेंड प्लिथ बीम के ग्राउंड फ्लोर का, हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लिथ बीम का जो साइज़ होगा वो 9 इंची बाई 9 इंची कॉलम का साइज होगा, और उसमें स्टील 4 स्टील रहेगा 12 mm का। और फ्रेंड रिंग में 8 mm का सरिया यूज कर सकते हैं, इसका भी डिस्टेंस 6 इंची पे होना चाहिए। तो ये थी जानकारी फ्रेंड ग्राउंड फ्लोर के बारे में। चलिए आप बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर के बारे में। तो फर्स्ट फ्लोर में सबसे पहले बात करते हैं कॉलम के बारे में, कॉलम का साइज़ हमें क्या रखना चाहिए? तो फ्रेंड 9 इंची बाई 12 इंची का हमें कॉलम का साइज रखना चाहिए फर्स्ट फ्लोर में। अब बात करते हैं स्टील के बारे में। तो स्टील हमें 6 स्टील, जो मेन स्टील होता है खड़ी, वो 6 स्टील लगाना है हमें 12 mm का। और उसमें फ्रेंड जो रिंग हम प्रोवाइड करेंगे वो 8 mm डाया का, 8 mm सरिया का रिंग हम लगाएंगे। और फ्रेंड एक रिंग से दूसरे रिंग का जो डिस्टेंस होगा वो 6 इंची पे डिस्टेंस होगा। तो चलिए फ्रेंड अब जानते हैं प्लिथ बीम के बारे में, फर्स्ट फ्लोर में प्लिथ बीम क्या रखना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के लिए यानी दूसरी मंजिल के लिए हमें जो प्लिथ बीम रखना चाहिए उसका साइज क्या होगा फ्रेंड? तो 9 इंची बाई 12 इंची का हमारा प्लिथ बीम का साइज होगा, उसमें सरिया 6 सरिया लग देना चाहिए फ्रेंड, 3 बॉटम में 3 टॉप में। और फ्रेंड वही रिंग हम 8 mm का सरिया का दे सकते हैं। और फ्रेंड इसका अगर डिस्टेंस की बात करें तो 6 इंची बाई 6 इंची पर इसका डिस्टेंस होगा एक रिंग से दूसरा रिंग का। तो फ्रेंड ये थी जानकारी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की कॉलम और प्लिथ बीम के बारे में। तो फ्रेंड आशा करते हैं वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले पूरा।